और करीब 35 मिनट पहले यानी कि 7:30 बजे शिक्षा मंत्री से हमारी वार्ता हुई है नेट लेवल प्रथम के 26,000 चयनित बेरोजगारों को लेकर और व्याख्याता भर्ती 2018 को लेकर, दोनों मामलों को लेकर हमारे को सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेगा थोड़े दिन बाद, यानी कि पॉजिटिव रेस्पॉन्स हमें मिला है। कुछ चीजें ऐसी होती है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकता, लेकिन चयनित अभ्यर्थियों को उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट जी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी और शिक्षा मंत्री जी तीनों इस संबंध में इसमें मीटिंग लेंगे, विचार करेंगे। और जिस प्रकार मेरी शिक्षा मंत्री से बात हुई तो कहने के मुझे लग रहा है कि सरकार के जो मंशा है वो चाह रहे हैं कि लोकसभा चुनावों से पहले एग्जाम हो, तो 15-20 दिन या एक महीना एग्जाम आगे बढ़ सकती है और फाइनल निर्णय कैबिनेट मीटिंग के बाद ही होगा। वो कह रहे कि एग्जाम यथावत रहे, काफी लोग कह रहे कि एग्जाम आगे जाए, लेकिन जो 80% लोगों का कहना था कि एग्जाम आगे जाए, 20% लोगों का कहना था यथावत रहे, लेकिन दोस्तों क्या करूं, मजबूरी है, मुझे उसी का देखना पड़ता है जो होमवर्क ज्यादा है। मैंने बात रखी शिक्षा मंत्री जी के पास, सुबह जल्दी उठा हूं, 7:30 बजे उनके निवास में पहुंचे हैं, वार्ता की है और वार्ता में ये नतीजा निकला कि कैबिनेट मीटिंग के बाद इस पे मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री तीनों बैठकर निर्णय लेंगे और कहीं ना कहीं ये सकारात्मक निर्णय व्याख्याता भर्ती 2018 के लिए निकल सकता है, लेकिन जो निर्णय होगा वो कैबिनेट मीटिंग के बाद ही पता चलेगा कि व्याख्याता भर्ती को लेकर क्या निर्णय होता है। लेकिन पूर्ण संभावना आज है इसकी, व्याख्याता भर्ती को लेकर आज निर्णय होगा और कहीं ना कहीं पॉजिटिव होगा और तारीख आगे जा सकती है। अब 15 दिन जाती है, 20 दिन जाती है, देखने वाली बात यह है कि महीने भर जाती है लोकसभा चुनाव बाद। लेकिन जिस प्रकार शिक्षा मंत्री से मेरी बात हुई कि मुझे ज्यादा से ज्यादा बेरोजगारों को नौकरियां देनी है, लोकसभा बाद देंगे तो कहीं ना कहीं ज्यादा देर हो जाएगी, तो हमारी मंशा है कि पहले ही एग्जाम करवाकर नौकरी दी जाए। अब देखने वाली बात यह है कि वो तारीख बढ़ाते हैं या नहीं बढ़ाते हैं, बढ़ाते हैं तो महीना भर बढ़ाते हैं कि 15 दिन बढ़ाते हैं, 20 दिन बढ़ाते हैं, वो आज कैबिनेट मीटिंग के बाद पता चलेगा। इसके अलावा दोस्तों एजी एडवोकेट जनरल और डबल एजी यानी कि तो आज उनका कैबिनेट मीटिंग में चयन हो जाएगा कि किसको एडवोकेट जनरल बनाया जा रहा है। आज इस कैबिनेट मीटिंग में तय होगा, किसी भी अभ्यर्थी को घबराने की आवश्यकता नहीं है कि एजी डबल एजी नहीं बना हमारा क्या होगा। दोस्तों हर चीज पर मेरी नजरें हैं, मेरी प्लानिंग और रणनीति सकारात्मक रूप से चल रही है, जिसका परिणाम आपको मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट से जो लिखित में आर्ग्यूमेंट जमा करवाने थे वो आर्ग्यूमेंट तैयार हो चुके हैं, वो दिनेश द्विवेदी जी 9 तारीख की सुनवाई में भी आएंगे। जितनी तैयारी मुझे करनी थी मैं कर चुका हूँ, लेकिन मैं इतना बता दूं कि जो आज जो परिस्थिति बनी हुई है, क्योंकि चयनित अभ्यर्थियों को मैं ये कहना चाहूंगा नहीं है स्वागत की आवश्यकता नहीं है, आप तो पहले से मेरे से जुड़े हुए हो, तो शिक्षा मंत्री के पास हमें भीड़ ले जाने की आवश्यकता नहीं है। उनका स्वागत हम 17 तारीख को कर चुके हैं और 2 बार हम अब कर चुके हैं, ऐसे कल भी किया और एक दिन जब मंत्री बनाए गए तब किया, तो ऐसे में शिक्षा मंत्री के पास भीड़ ले जाकर स्वागत करने की आवश्यकता नहीं है। बहुत ही अच्छे, बहुत ही ईमानदार और बहुत ही कर्मठ और दबंग जिनकी छवि है और लक्ष्मणगढ़ के जाने माने जो विधायक है वो आज शिक्षा मंत्री है, तो कहने के एक अच्छा शिक्षा मंत्री हम लोगों को मिला है। लेकिन दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, क्योंकि इसमें व्याख्याता भर्ती के बारे में मैंने बताया, काफी लोगों को मैसेज आते हैं, मैं कई बार फोन नहीं उठा पाता, इस मैसेज के माध्यम से कि व्याख्याता भर्ती का जो आगे बढ़ने वाली तिथि को लेकर आज कैबिनेट मीटिंग के बाद निर्णय होगा कि व्याख्याता भर्ती परीक्षा को बढ़ाया जाएगा या नहीं बढ़ाया जाएगा। बढ़ाने की संभावना है लेकिन ये तय नहीं है कि वो कितने दिन बढ़ाई जाएंगी, लेकिन व्याख्याता भर्ती की तारीख आगे बढ़ाने की पूरी संभावना है। जिस प्रकार शिक्षा मंत्री जी से हमारी सकारात्मक वार्ता हुई, रीट को लेकर सकारात्मक वार्ता हुई, इसके अलावा रीट लेवल 2 की वेटिंग वाले काफी लोग फोन करें, दोस्तों एक बार इनके दस्तावेज सत्यापन होने के बाद पता चलेगा कितने लोग और नहीं आ रहे। मैंने आपकी बात रखी है, जल्दी आपकी वेटिंग भी आएगी, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। और जिला आवंटन को लेकर जो काफी चीजें आई हैं कि कई लोग पहले से बात की है, कई मुद्दों को लेकर शिक्षा मंत्री से मेरी सकारात्मक वार्ता हुई है, लेकिन दोस्तों पहली मीटिंग में व्याख्याता भर्ती और रीट लेवल प्रथम को लेकर ज्यादा हमारा फोकस रहा, क्योंकि ये दोनों अति महत्वपूर्ण थे। इसके अलावा जो 2015 व्याख्याता वाले हैं, एलडीसी वाले हैं, एपिकलिस्ट वाले हैं, एलडीसी के परिणाम वाले हैं और विद्यार्थी मित्र को लेकर मैं विशेष संदेश देना चाहूंगा, जो विद्यालय सही का इंतजार कर रहे थे, विद्यार्थी मित्र को भर्ती को लेकर भी हमारी सकारात्मक शिक्षा मंत्री से बात है और जो उनका जो मैंने रवैया देखा, जो व्यवहार देखा
का, तो वो उनसे चिंतित थे, यानी कि वो कह रहे थे कि विद्यार्थी मित्रों के लिए हमें रास्ता निकालना होगा। तो कहीं ना कहीं सकारात्मक परिणाम, सकारात्मक सोच मुझे शिक्षा मंत्री की विद्यार्थी मित्रों को लेकर लगी, जिससे जो मेरी 7:30 बजे वार्ता उसमें लगा कि कहीं ना कहीं विद्यार्थी मित्रों के भविष्य के लिए वो गंभीर है और कहीं ना कहीं वो रास्ता निकालेंगे। मैंने भी विद्यार्थी मित्रों की बात उनके सामने रखी है। इसके अलावा दोस्तों मैं इतना बता दूं कि मैं आपको अपडेट देता रहूंगा, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। पेन यादव बेरोजगार महासंघ के अलावा मेरा कोई YouTube चैनल नहीं है, इसके अलावा टोटल YouTube चैनल मेरे नहीं है, मेरा एक ही YouTube चैनल है पेन यादव बेरोजगार महासंघ। इसलिए इनको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, इससे व्याख्या और पता चले कि आप लेकर नीट वाले जो अभ्यर्थी जो सदमे में अवसाद में जो दुखी है उनको पता चले कि आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। पेन यादव जिसकी रणनीति आज तक कभी भी नाकाम नहीं रही, क्योंकि मैं एक चीज बता दूं कि जिस प्रकार मुझे हर व्यक्ति की चाल पर नजर है, उस चाल को नाकामयाब कैसे करना है, चयनित अभ्यर्थियों को स्कूल में कैसे पहुंचाना, ये मेरा अनुभव 2012 से है, क्योंकि मुझे बताया किस प्रकार किस चाल को चलना है, किस प्रकार किसको मात देनी है। इसलिए आपको चयनित अभ्यर्थियों को बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। मैं भी मौजूद हूँ विधानसभा।